तो दोस्तों, एज अ फ्रेशर मैंने इस जॉब के ऊपर अप्लाई किया, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड और मुझे यहाँ पे कंपनी की तरफ से मेल भी आ चुका है। देखिए दोस्तों, एक वर्क फ्रॉम होम जॉब है जहाँ पर मैंने अभी जस्ट अप्लाई किया है। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन एम्प्लॉयमेंट एट अ सर्टिफाइड ओएसिस कंपनी का नाम है। इफ़ योर क्वालिफिकेशन मैच अवर नीड्स वी विल कॉन्टैक्ट यू। ठीक है, तो जैसे ही मेरा जॉब प्रोफाइल है ना मैच हो जाता है इस जॉब के साथ, तो मुझे यहाँ पे ईमेल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, फ्रेशर के तौर पर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था और यहाँ पे सैलरी जो है ना वो 4.5 लाख की यहाँ पे एनुअल सैलरी रहने वाली है। मतलब कि लगभग 30 से 35 हज़ार की आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, आपका जो यहाँ पे काम रहने वाला है सिंपली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम रहने वाला है। जो भी क्लाइंट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करने और अपडेट करने हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जॉब जो है ना फ्रेशर्स के लिए रहने वाली है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको एक वर्क फ्रॉम जॉब की तलाश है, एक अच्छी कंपनी आपको काम करना है जहाँ पर आपको 30 से 35 हज़ार की सैलरी मिलने वाली है। प्लस इसके साथ आपको हेल्थ बेनिफिट्स मतलब कि इंश्योरेंस वगैरह मिलने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप वर्क फ्रॉम होम काम करते हो, एक्स्ट्रा टाइम का भी काम कर लेते हो, तो उसका कंपनसेशन भी मिलने वाला है। प्लस इंटरनेट अलाउंस जो भी रहता है, मतलब कि आप जो भी इंटरनेट यूज कर रहे हो वर्क फ्रॉम होम जॉब करने के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पे रिइंबर्समेंट मिल जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कंपनी के बेनिफिट्स है जो कि आपको यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो ना, तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप बहुत सारे जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हो पर आपको यहाँ पे मेल नहीं आ पाता है। ठीक है, पर इस जॉब में देखो, जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया मुझे यहाँ पे रिवर्ट आ चुका है। और इस तरीके से आपको भी यहाँ पे रिवर्ट आ जाएगा जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो में हम देखते हैं इस जॉब के बारे में पूरी डिटेल कि कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, क्या और रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है और क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, और अप्लाई करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो फिलअप करना है, जिससे कि आपकी पूरी डिटेल रिक्रूटमेंट टीम के पास चली जा सके और फिर रिक्रूटमेंट टीम जो है ना जॉब प्रोफाइल मैच करेगी और आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शेड्यूल करेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी असेसमेंट टेस्ट नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। चलिए, तो दोस्तों ये है मेरे चैनल का नाम, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेशर्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वीडियोस बनाता हूँ वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के ऊपर। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब्स में इंटरेस्ट है या फिर वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब्स में इंटरेस्ट है, तो आप इन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, जो लेटेस्ट में जॉब बनाए वो है nobroker.com इस वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर आप 10th पास भी हो ना तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे सेल्स का काम नहीं रहेगा, सिंपली आपको यहाँ पे है ना कस्टमर गाइडेंस का यहाँ पे काम रहने वाला है। ठीक है, सिंपल काम रहेगा। मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसा आपका काम रहेगा और आपको यहाँ पे कितना सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो बाकी के जॉब्स है ना वो भी आप देख सकते हो, जैसे कि मोबाइल डेटा एंट्री का जॉब। देखिए दोस्तों, आप कभी भी किसी डेटा एंट्री जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको है ना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की जरूरत पड़ती है डेटा एंट्री करने के लिए। बहुत सारी वेबसाइट्स है डेटा एंट्री प्रोवाइड करती है, पर उनको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से आप डेटा एंट्री कर सकते हो। पर इस जॉब में सिंपली आप मोबाइल से भी डेटा एंट्री का काम कर सकते हो और यहाँ पे 100+ ओपनिंग्स है जहाँ पर आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे चांस लग सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 15,000 से लेकर 30,000-35,000 की सैलरी मिल सकती है। अगर आप फ्रेशर हो तो 15,000 मिलेगी और एक्सपीरियंस पर्सन को यहाँ पे 30,000-35,000 की सैलरी मिल जाती है। ठीक है, और ऐसे ही बाकी के भी जॉब्स रहने वाले। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे वर्क फ्रॉम पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन जॉब्स को चेकआउट कर सकते हो। अभी हम देखते हैं आज के जॉब के बारे में। देखिए दोस्तों, आज के जॉब का जो नाम है ना वो है ऑपरेशंस एनालिस्ट पेरोल एनरोलमेंट इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको जो पेरोल सिस्टम है ना वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करना है। क्लाइंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करके स्टोर करना है अपने सिस्टम में, डेटाबेस में। ठीक है, तो ये आपका सिंपल यहाँ पे काम रहेगा और वो कैसे करना है पूरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है और बाकी की जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो भी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, ये रिक्वायरमेंट्स एक बार देख लीजिए और अप्लाई कैसे करना है ना वो भी एक बार देख लीजिए। तो सिंपली आप यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर पाएंगे और फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू जो है ना वो शेड्यूल होने वाला है। यहाँ पे कोई असेसमेंट टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये एक रिमोट वर्क फ्रॉम होम जॉब है, फुल टाइम वाली जॉब है। यहाँ पे आपको फुल टाइम में काम मिल जाएगा और सैलरी पैकेज भी बहुत ही अच्छा है, लगभग 4.5 लाख रुपए पर एनुअल का आपको यहाँ पे सैलरी पैकेज है, जहाँ पर आप 30,000 से लेकर 35,000 की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी काम क्या करती है, सिंपली सर्टिफाइड ओएस डिलीवर्स एपीआई फर्स्ट क्रेडेंशियलिंग लाइसेंसिंग एंड एनरोलमेंट। ठीक है, तो ये तीन ये कंपनी काम करती है किसके लिए, पेयर्स के लिए, हेल्थ सिस्टम्स के लिए और जो हेल्थ कंपनीज जो है ना उनके लिए। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे समझाऊँ तो सिंपली यहाँ पे लाइसेंसिंग का काम होता है, अलग अलग कंपनीज को जो हेल्थ केयर कंपनीज है उनको लाइसेंसिंग प्रोवाइड करने का काम करती है ये कंपनी। ठीक है, तो लाइसेंसिंग में मेन काम क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो वेरीफाई करने पड़ते हैं क्लाइंट्स के, और यहीं आपको यहाँ पे ये काम करना है इस जॉब रोल में ऑपरेशन एनालिस्ट में पेयर्स के लिए। देखो तो पेयर्स का एनरोलमेंट का काम करना है, तो पेयर्स का जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना वो वेरीफाई आपको यहाँ पे करना होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे काम रहने वाला है।
अब देखिए कंपनी के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इस कंपनी के वेबसाइट में आ सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है, ठीक है। आपको देखिए दोस्तों ये सारी जानकारी होनी चाहिए, किसी भी कंपनी के ऊपर आप अप्लाई करते हो तो, किसी भी कंपनी के जॉब के ऊपर आप अप्लाई करते हो तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इस कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिलेक्शन जो है ना वो इंटरव्यू बेसिस पे होने वाला है, यहाँ पे आपका कोई असेसमेंट टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जॉब रोल जो है ना वो क्या होने वाला है और आपको काम किस तरीके से करना है और जो भी रिक्वायरमेंट्स है ना वो एक बार देख लीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस जॉब के लिए सुटेबल कैंडिडेट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइड में ही फॉर्म दिया गया है, कैसे फिलअप करना है वो एक बार मैं आपको समझा दूंगा। आपको यहाँ पे एक बार देखना है कि आपका जॉब रोल जो है ना आपको क्या काम करना है यहाँ पे और इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है आपसे, ठीक है। व्हाट यू विल नीड, तो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या होने वाली है, आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए। देखिए दोस्तों फ्लुएंसी इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश अच्छे से बोलना आना चाहिए। अब बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है, मतलब कि क्या है, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो पर आपका क्वालिफिकेशन कम है फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इक्विवेलेंट ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है। द एबिलिटी टू कंडक्ट लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ रिसर्च पर्टिकुलरली वाया गूगल, मतलब गूगल पे आपको यहाँ पे रिसर्च करना है, मतलब कि क्या है, कुछ भी टर्म्स आपको सर्च करने तो सर्च करना आना चाहिए, कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल्स आपका होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हैव साउंड नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड गूगल एप्लीकेशंस, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना माइक्रोसॉफ्ट किसके लिए यूज होता है, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, डेटा एंट्री करने के लिए, और गूगल एप्लीकेशन मतलब क्या है, गूगल का क्रोम ब्राउजर या फिर आपको जीमेल यूज करना आना चाहिए मेल करने के लिए। एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। द एबिलिटी टू मीट डेडलाइंस एंड वर्क अंडर प्रेशर, आपके पास ये स्किल है ना वो होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए दोस्तों आपका जो काम रहने वाला है यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है, सिंपली जो काम है ना जैसे कि मैंने आपको हिंदी में समझाया, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके यहाँ पे सिस्टम में अपडेट करना है। देखिए दोस्तों वैलिडेट एंड ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन अपडेटेड ऑन द लाइसेंसिंग प्लेटफॉर्म एंड एंश्योर 100% एक्यूरेसी, ठीक है। तो सिंपली आपको जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उनको वैलिडेट करना है, ऑथेंटिकेट करना है और सिस्टम में अपडेट करना है। समराइज योर रिसर्च फाइंडिंग एंड ड्राफ्ट देम इन क्लियर एंड कॉन्शियस गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट्स फॉर सर्टिफाइड ओएस कस्टमर्स, तो जो भी कस्टमर्स रहेंगे उनके डॉक्यूमेंट्स है ना सर्टिफाई किए हुए हैं उनको आपको क्लियरली चेक करके डॉक्यूमेंट कर देना है, ठीक है। तो फ्रेशर के तौर पर आप जैसे ही अप्लाई करते हो ना तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ना दी जाती है कि कैसा आपका यहाँ पे काम रहेगा, कैसे आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे सिंपल काम है। तो दोस्तों जिन लोगों को भी लगता है कि इस काम के ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। आप यहाँ पे अप्लाई विद इंडीड भी कर सकते हो अगर आपके पास इंडीड का यहाँ पे अकाउंट है तो, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों ऑपरेशन एनालिस्ट में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करना होता है, बहुत ही सिंपल। एक्सपीरियंस नहीं तो कोई बात नहीं, क्वालिफिकेशन अच्छा होना चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन है तो किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आपको यहाँ पे सैलरी पैकेज भी बहुत ही अच्छा है, तो जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दीजिए। और देखिए दोस्तों अगर आपको इस जॉब के रिलेटेड या फिर आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने में कोई भी परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको टाइम निकाल के दे दूंगा, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये जॉब नहीं लगती तो कोई बात नहीं, अदर जो जॉब रोल्स हैं ना उनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं और आगे चल के भी बनाते रहूंगा, जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाते रहूंगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के वीडियो में बस इतना ही।